हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ये वेरीफाई करना है, आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं ए और बी की। आपको ये वेरीफाई करना है कि अगर ए माइनस और माइनस बी हम लें तो उसका आंसर ए प्लस बी के बराबर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है 21, बी दे रखा है 20, सॉरी बी दे रखा है 18। तो हमें पहले LHS लेना है। हम LHS लेंगे और LHS में जो दिखा रखा है ये है a माइनस माइनस बी। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे a और b की। तो a की जगह 21 लेंगे, माइनस का माइनस, और यहां b में हम माइनस लगाएंगे। तो b तो है 18 और 18 के अंदर लगाएंगे माइनस। अब ये 21 हो गया, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों का एक ही साइन बन गया प्लस, और ये हो गया 18। 21 में 18 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 39 आ गई है। तो LHS का आंसर मैंने निकाल दिया 39। इसी तरह से मैं RHS का आंसर निकालूंगा। RHS में मुझे सिंपली a प्लस बी लेना है, तो ये a प्लस बी है। अब a की जगह मुझे 21 लेना है, b की जगह मुझे 18 लेना है। इन दोनों का मैं सम करता हूं तो ये वैल्यू 39 आती है। तो मैं देख रहा हूं कि LHS और RHS मेरे दोनों बराबर आ गए हैं। बराबर आ गए हैं तो मैंने ये वेरीफाई कर दिया। तो therefore LHS is equal to RHS, तो hence verified। इसी तरह से आपको बाकी पार्ट्स करने हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो पहले यहां पे A और B को देखें, और उसके बाद यहां जो आपका LHS है ना, इस वाले फॉर्मेट को आपको सॉल्व करना है। तो LHS है a माइनस माइनस बी। ए की जगह 118 लेना है, माइनस का माइनस, और b जो है वैल्यू 125, इसके अंदर माइनस लगाना है। 118 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, और ये हो गया नंबर आगे 125। इन दोनों का सम कर देंगे, इनका सम आएगा 243। तो ये LHS का आंसर है। अब मुझे RHS को लेना है। RHS में जो चीज दिखानी है वो a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी लेना है। यहां पे a की जो वैल्यू है ये 118 है, b की वैल्यू 125 है। सिंपल, दोनों सेम साइन है, दोनों का प्लस का है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 243 आ जाएगा इनको ऐड करने के बाद। यहां भी LHS RHS बराबर हो गया। तो therefore LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर a 75 है, b 84 है। तो अब इसी तरह से करेंगे। पहले LHS वाली साइड को हम लिखेंगे। LHS में हमें a माइनस माइनस b दिखाना है, तो a की जगह 75 लेंगे, ये वाला माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और b की जगह 84 लिखेंगे। 75 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, और ये नंबर 84। इनका हम सम कर देंगे। 75 और 84 को जब प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 159 आ जाएगी। अब RHS को लेते हैं। RHS में हमें a प्लस बी दिखाना है, तो a की जगह 75, b की जगह 84। यहां दोनों का सेम साइन है, दोनों प्लस के ही हैं, तो ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद ये 159 आ जाएगा। तो LHS RHS बराबर हो गया। Therefore LHS is equal to RHS, hence verified। फोर्थ पे चलते हैं। A 28 है, B 11 है। तो यहां भी हमें पहले LHS लिखना है, और इसमें हमें A माइनस माइनस B को सॉल्व करना है। A की जगह 28 है, ये वाला माइनस लगाया, फिर यहां पे माइनस लगाया, और B की जगह B की वैल्यू लिख देंगे 11। 28 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, और ये वैल्यू 11। 28 में 11 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 39। अब हमें RHS को सॉल्व करना है। RHS में हमें दिखाना है a प्लस बी की वैल्यू, तो a की जगह 28 लेंगे और b की जगह 11 लेंगे। इनका भी सम कर देंगे, सेम साइन है तो सम हो जाएगा। सम करेंगे तो 39 आ गया। LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। तो therefore LHS is equal to RHS, hence verified। तो इस क्वेश्चन में आपको यही सिखाया गया है
कि अगर कोई आपके पास दो नंबर है और उन दोनों नंबरों का आप डिफरेंस करते हैं लेकिन अगले नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, तो आपका ये साइन चेंज होने पर, दो साइन चेंज किए ना आपने, इनके बीच में सब्ट्रैक्टर साइन चेंज किया, तो इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ ये भी सिखाया जा रहा है कि माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं। तो क्वेश्चन खत्म, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।